खबर 24 लाइव न्यूज। मरियाओं विधानसभा 370 से आम आदमी पार्टी से अच्छे लाल यादव ने आज अपने समर्थकों के साथ जाकर जौनपुर कलेक्ट्रेट में किया नामांकन। जब प्रत्याशी अच्छे लाल यादव से पूछा गया किन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस प्रकार विकास के कार्य किए, उसी प्रकार अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो यहाँ पर भी वो विकास का कार्य करेंगे। प्रत्याशी अच्छे लाल यादव ने कहा जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकारी स्कूल में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं, उसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो सारे सरकारी स्कूल में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पीछे बताइए, आपका परिचय बताएं पहले। अच्छे लाल यादव जी, मरियाओं विधानसभा 370 से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आपकी बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके इस बार? हमारी चुनावी मुद्दे रहेगी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कार्य कर रही है, शिक्षा, रोजगार, दवा, महिलाओं को 1,000 रुपए और बेरोजगारों को 5,000 रुपए, बिजली पानी सब मुफ्त में, जैसी दिल्ली में कार्य हो रहा है वही कार्य यूपी में हम लोग करना चाह रहे हैं। हाँ, दिल्ली में देखा वहाँ के, वहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी ढंग से चल रही है, तो क्या यहाँ पर भी प्राइमरी विद्यालय में अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी अगर आप सरकार बनती है तो? हाँ, मेरी सरकार बनती है तो प्राइमरी में भी यहाँ बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी। अच्छा जी, और मरियाओं के क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा के? मरियाओं क्षेत्रवासियों को हम अपने विधानसभा से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं दिल्ली में हो रही है वही व्यवस्था यूपी में भी लागू किया जाए। जी जी जी, जात के नाम पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग कार्य के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सिंबल क्या रहेगा जरा ये बता दें आप? हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू रहेगा। झाड़ू रहेगा चुनाव चिन्ह आपका। सर, ये गांव का घर कहाँ पड़ता है आपको बताएं? घर मोहम्मदपुर पड़ता है। मोहम्मदपुर के आप निवासी हैं जी। अच्छा बताइए, आपने आपके विपक्ष में जो यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं इस समय, और सुनने में आया कि बहुजन समाज पार्टी से आनंद दुबे भी आ गए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन से सुषमा पटेल लड़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई कैसी रहेगी? देखिए भाई, वो लोग अपनी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और पार्टी से मतलब नहीं है, जनता क्या करेगी वो जनता के हाथ में है जी। जो जनता अच्छा कार्य देखेगी, जिसका अच्छा कार्य चलेगा उसको चुनेगी, पार्टी की बस की बात नहीं है, जनता की बस की बात है। क्या जनता जो चाहेगी जनता वही करेगी। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये जाति समीकरण अनुसार यहाँ पे इस बार चुनाव हो रहा है, मतलब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? हम लोग तो जाति समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, कार्य के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी कार्य के नाम पे चुनाव लड़ रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। आज आपका भाई, आप आज क्या पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं आज? जी हाँ, आज हम लोग पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं मरियाओं से। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।